हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मीन्स आधुनिक भारत का इतिहास से अभी तक पूछे गए सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इस पूरे कोर्स को हम एमसीक्यू से ही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय। अब देखो, ये जो वंदे मातरम का सॉन्ग है ये एक तरह से अमर है, ठीक है। यही कहने का मतलब है, जो अमर हमारा वंदे मातरम का सॉन्ग है ये किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था, और आपने इसके स्कूल कॉलेज के दिनों में कई बार गाया होगा और काफ़ी सारी मूवीज में देखी होगी, बट बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है ना, एक उनका एक नॉवेल था जो 1882 ईस्वी में लिखा गया था, राइट। इस नॉवेल का नाम क्या था, आनंद मठ। तो कई बार क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है, हु हैज रिटन आनंद मठ, या वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है। तो इससे आपने देखा तीन क्वेश्चन निकल रहे हैं, राइट। तो थर्ड वन होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। अब देखो, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों ने क्या किया था ना, हमारी इकोनॉमिक स्थिति को खराब करने के लिए सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी शुरू कर दी थी और हम पे ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे थे। उसे कहने की जितनी भी चीज़ें थी वो महंगी हो जा रही थी, इसलिए गांधी जी ने है ना चरखे का प्रयोग करके खुद ही सूत से वो कपड़े बनाने का काम करते थे, कॉटन बनाने का काम करते थे, इसलिए खादी को हम सिंबल मानते थे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, राइट। तो सेकेंड होगा हमारा राइट आंसर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मीन्स खुद पे आत्मनिर्भर होने के लिए इन्होंने रखा था ये चीज़। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अब ये देखो, ये बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप जरूर पढ़ें। यह ना इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वन, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने ये लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है, फॉर विच कम्युनिटी वर सीट्स रिजर्व बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब देखो, ये जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था तो उसमें क्या किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम के लिए इलेक्टोरेट थे ना, जो मतलब जो इलेक्शन में जो पर्ची होती है ना, वो सारे उसके लिस्ट अलग कर दिए गए थे, हिंदू के अलग, मुस्लिम्स के अलग, और मुस्लिम के लिए अलग से सीट्स भी रिजर्व कर दिए गए थे। इससे क्या ना, हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी सख्त लड़ाई बढ़ रही थी, तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए इन द सेंस मीन्स ये सीट रिजर्व की गई थी इनके लिए, ठीक है। अब देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश। मतलब ऐसा किसने बोला था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में फेंक दिया जाए, तो ये कहने वाले थे शिवस्वामी अय्यर, सेकंड होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। अब देखो, 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसमें महात्मा गांधी को कब अरेस्ट किया गया था। देखो, इसे तीन चार क्वेश्चंस निकल रहे हैं, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे, और ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 में, तो ये थर्ड होगा हमारा राइट आंसर। इससे और एक दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं या अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इंटू टू पार्ट्स इन 1905। अब देखो, 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये करने वाले थे लॉर्ड कर्जन, फोर्थ होगा हमारा राइट आंसर। इसको याद रखने की टेक्निक याद रखना, वेस्ट बंगाल में क्या है, कलकत्ता, कलकत्ता यानी सी से कलकत्ता और सी से कर्जन, आप ये सी वर्ड याद रखना, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, द इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज। अब देखो, अभी पिछले क्वेश्चंस में ही हमने पढ़ा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चंस आ गया। अब देखो, हिस्ट्री की यही खासियत है कि जो हो चुका है 1909 में वो दोबारा नहीं होगा, बट उसी को अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हिंदू और मुस्लिम
के लिए अलग अलग इलेक्शंस में इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाजवाद। अब देखो ब्रह्म समाज की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे है ना ब्रह्मो समाज है, क्योंकि ये क्या है ना, ये राजा राम मोहन रॉय ने किया था और बेसिकली बंगाल में है ना ब्रह्म को ब्रह्मो बोलते हैं, इसलिए तो कई बार क्या है ना एम ओ की जगह पे एम ए भी आपको स्पेलिंग मिलेगा, तो दोनों सही है। ठीक है, जिसकी स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय, थर्ड होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। देखो 1857 की जो क्रांति थी ये स्टार्ट हुई थी सिपोही से। ठीक है, अब देखो सिपोही क्या है ना, वहाँ पे जो सिपाही जब भी बोलते हैं ना उसी तरह से ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश इंडिया में सिपोही बोलते थे। अब देखो ये उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि वहाँ पे जो आर्मी थी ना इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो मेरठ में, मेरठ अभी हाल ही में अगर देखो तो यूपी का पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो इनको जो कारतूस मिलते थे ना तो दांत से खींच करके उसको ये करना होता था, तो उसमें ऐसा बोला गया था कि इसमें गाय और भैंस की चर्बी मिली हुई है, तो इसीलिए उससे नाराज़ होकर के लोगों ने ये मतलब क्रांति छेड़ दी और वहीं से शुरुआत हुई। फर्स्ट होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है आफ्टर लीविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम्ड। अब देखो कांग्रेस से जब अलग हो गए थे तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, तो थर्ड होगा हमारा राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवेन द इपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। अब देखो इपिथेट का मतलब होता है ना, किसी को आप जो एक अलग से एक नाम दे देते हो ना वो, तो ये इनको दिया गया था होम रूल मूवमेंट के समय, तो सेकेंड होगा हमारा राइट आंसर। वहीं पे इनको क्या है ना लोकमान्य दिया गया था। देखो लोक का मतलब होता पब्लिक या जनता, मान्य का मतलब होता रिस्पेक्ट, तो लोकमान्य मतलब जो जनता का रिस्पेक्टेड हो या जनता का जो लीडर हो, ये इनको मिला था 1893 में। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो सबसे पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी और सबसे लास्ट भी यही थे। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले भी थे ये सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी या सीआर भी बोलते थे। ये मेनली है ना एक इंडियन लॉयर थे और इंडियन इंडिपेंडेंस में इसका बहुत अहम रोल रहा था। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले कांग्रेस के अलावा किसी और की पार्टी की सरकार कहाँ बनी, तो इसका सही जवाब है फोर्थ वन केरला में। केरला में ही सबसे पहले नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ऑर्गेनाइज द हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट। अब देखो राजा राम मोहन राय एक तभी ब्रह्म समाज का देखा आपने इसमें क्वेश्चन, और दूसरा आता है राजा राम मोहन राय कि इनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा था सती प्रथा को खत्म करने में। ठीक है, तो इनको एक और क्रेडिट जाता है, तो सेकेंड होगा हमारा राइट आंसर। आपके लिए को होमवर्क में दे रहा हूँ कि सती प्रथा में एक तो हेल्प किया राजा राम मोहन राय, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड पास्ट द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन इन 1920 एट इट सेशन हेल्ड। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC ने एक रेजोल्यूशन पास किया नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग, ये 1920 में हुआ था, लेकिन ये सेशन कहाँ पे था, तो ये सेशन हुआ था कलकत्ता सेशन में। फोर्थ होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट यूजफुल एंड आउटस्टैंडिंग रिफॉर्म्स मेड बाय लॉर्ड कर्जन स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अनडिवाइडेड प्रोविंस ऑफ पंजाब। अब देखो लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा कौन सा मतलब रिफॉर्म किया पंजाब में खास करके जिससे वहाँ के किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, तो ये हुआ था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी ऑप्शन फोर आपका होगा राइट आंसर। ऐसा जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले आपको फोर पे टिक करके आगे बढ़ जाना। अब देखो इन्होंने किया क्या था,
तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो इन्होंने एक एक्ट था जो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट था 1902, और उसके अंदर क्या था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना वो नॉन एग्रीकल्चर पीपल को वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो उससे इनको फ़ायदा क्या हुआ कि पहले क्या ना कि मनी लेंडर से अगर सूदखोरी पे आपने पैसे ले लिए और पैसे नहीं चुका पाए तो वो क्या है ना आपकी ज़मीन कब्जा कर लेते थे, बट ये एक्ट आ जाने से क्या है ना उनकी ज़मीन का प्रोटेक्शन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। अब देखो डायरकी बोलते हैं ना या डायरची भी बोलते हैं, ये होता द्वैत शासन। ठीक है, द्वैत शासन मतलब एक ही चीज़ों के लिए दो जगह से शासन हो रहा। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वॉच प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1858 एक्ट। अब देखो 1857 की जब क्रांति हुई थी तब इनको एहसास हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तभी इन्होंने क्या ना जब कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू राज हो रहा था तो उसके बाद डायरेक्ट है ना ये क्राउन के थ्रू होने लगा, जो वहाँ पे जो महारानी हुआ करती थी ना उनके थ्रू होने लगा। ठीक है, तो ये हुआ था अलाहाबाद में। ठीक है, तो ये होगा फोर्थ हमारा राइट आंसर। यहीं पे है ना एक मतलब दरबार आयोजित किया गया था जो अलाहाबाद में था, और उस समय क्या था वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया थी और वहीं पे पावर उन्होंने क्राउन से एग्ज्यूम कर लिया। और अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस लेसन का लास्ट वन होगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोजर टू ईच अदर इन 1960, यानी 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बहुत ही पास में आ गए, क्लोज आ गए, वो कब था? तो वो था लखनऊ, यानी लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 1916 में जब है ना दिसंबर 1916 था तो लखनऊ पैक्ट के बाद ही ये लोग दोनों बहुत नज़दीक आ गए थे। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके पास भी अगर कोई भी अगर डाउट हो इस लेसन से रिलेटेड, ऐसे डाउट होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम, और कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपकी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और मैंने और भी बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं जैसे इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ग्रामर, ये सब बहुत सारे कोर्सेज हैं, साइंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और फिर हिस्ट्री मेडिएवल एंशिएंट मॉडर्न, फिर मैंने लॉजी और फोबिया से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड को मैंने कवर किए हैं, तो सब देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।